मैं उमीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज नेटवर्क। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे शख्स से मैं बात कर रहा हूँ। किसी ज़माने में हम लोग ये हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में एज ए पार्टिसिपेंट्स आते थे, आज माशाल्लाह एक बड़े पोस्ट पे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आज के इस प्रोग्राम में आके? आप आके तो बहुत खुशी हो रही है हमको कि आज इस प्रोग्राम में हम हिस्सा ले सकें, और ऐसे प्रोग्राम्स का हम हिस्सा होना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो कौम है, जो पिछड़ी हुई कौम है, उसके लिए हम कुछ कर पाए, उस पर कुछ जिस तरह से भी कर पाए उसे हमें खुशी मिलती है। अच्छा शाहीन साहब, किसी ज़माने में आप भी क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते थे, तो अभी वो कल्चर ख़त्म हो रहा है, उसके लिए अब क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज़ है कि जो क्विज का हम जब बचपन में थे, बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट में हम पार्टिसिपेट भी करते थे, तो आज के दिन में देखा जाता है कि क्विज का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा ही ख़त्म होने वाला है और ख़त्म के दरार पे है। इसका एक रीज़न भी मैं कह सकता हूँ, मोबाइल का जो इन्फिल्ट्रेशन बच्चों में हो रहा है, जो अभी मोबाइल एक मिनेस हमारे समाज में या हमारे इसमें हो रहा है, इससे हमें थोड़ा उबरना होगा और गार्जियन को भी थोड़ा सजाग होना पड़ेगा, गार्जियन को और थोड़ा इतला होना पड़ेगा कि बच्चों का आज जो मोबाइल जो हमारे दुश्मन रूप से आ गया है, जो वायरस कोरोना आया था उसके बाद जो अभी मोबाइल का मैनेज या वायरस हम कह सकते हैं, उसको हमें कम कर सके और गार्जियन अगर थोड़ा एक्टिव रोल ले तो बच्चे नॉलेज की तरह जाए तो हमारी कौम जो पिछड़ी हुई और आगे जा सकेगी। देखिए ये शाहीन साहब, किसी ज़माने में जब ये स्टूडेंट थे तो मैं क्विज कॉन्टेस्ट एज ए क्विज मास्टर हुआ करता था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस तरह के प्रोग्राम में जब आप हिस्सा लेते हैं तो उसका ज़रूर फ़ायदा होता है। अच्छा शाहीन, आप मिस कर रहे हैं उस दिनों को, आप मिस करते हैं? हाँ, मिस तो करते हैं वैसे दिनों को जो क्विज में हम पार्टिसिपेट करने का जो फ़ायदा हमें हुआ, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो जनरल स्टडीज़ जो पेपर रहता है जिसमें जनरल नॉलेज एक बड़ा हिस्सा रहता है, इस क्विज में पार्टिसिपेट में जो बेस मेरा वही क्विज से बन गया है, और उसके बाद मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आज उतनी पढ़ी जाए और इतना नॉलेज मुझे बढ़ाने का जितना एडिशन करना पड़ा वो बेस मेरा क्विज से ही बन गया जो आज मुझे इस मुकाम पर ला चुका है, और मैं जो मुकाम में आज खड़ा हूँ उसमें क्विज का बहुत बड़ा एक रोल है। मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए कुछ बोलिए शाहीन। हाँ, मैं बोलूँगा कि इस चैनल को आप देखते रहिए, ये तो सोशल प्रोग्राम में और ये क्विज कॉन्टेस्ट या कोई भी एडुकेटिव रिलेटिव प्रोग्राम में ये तो हिस्सा लेते हैं और ये कवर करते हैं। मैं इससे पहले जलवा टोली में भी एक प्रोग्राम में गया था तो इनको मैंने देखा था वहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि एडुकेटिव या सोशल प्रोग्राम में ये चैनल आपको फोकस कर रहे हैं। इससे हम अपने हमारे जो समाज है, जो हमारी कौम के लिए क्या कौन इंसान या कौन कौन क्या कर रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा, और इस चैनल को आप अगर देखिएगा तो हमें नॉलेज मिलेगा और हम इस प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे और उस इंसान को जानेंगे जहां हम जा रहे हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है, तो उसके पास हम पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन, शुक्रिया। आज ए एन वेलफेयर ट्रस्टर परिचालनय माछपाड़ा फुटबल क्लाबर आयोजने एवं सहयोगिता कर अनोरा बेगम, नूरजहान बेगम। आजकल प्रोग्रामे सत्यिकारे खूब भारत लगे इसे, এবং বিশেষ করে নিঃস্ব দুস্থ যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছেন, চোখের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য খুবই ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। আমি এদেরকে সার্বিকভাবে সাফল্য কামনা করছি এবং এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।